हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रूम ऑफ गार्डनिंग आपके यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कुछ न्यू प्लांट्स मैं परचेज़ करके लाया था जो कि मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्लांट हैं। इनमें से कुछ प्लांट्स मैंने घर पे ही ग्रो किए थे, जैसे कि ये रोज़ का प्लांट आप देख रहे हो कि देसी गुलाब है ये। तो एक दो और भी हैं, तीन हैं ये टोटल। तो अभी ये एक प्लांट मैंने लिया हुआ आपके साथ शेयर करने के लिए। इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्लावरिंग लगभग सारे पे ही हो रही है, लेकिन ये छोटे से पॉली बैग में है तो कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी। ये गुलदाउदी है, इसको करीब 20 दिन हो गए मैंने इन कप्स में शिफ्ट कर दिया था। ये पहले इस तरीके के छोटे छोटे कप्स में आए थे मेरे पास में, और इसका जो रेट है ये 5 रुपीज़ ईच मुझे मिला था जब इन कप्स में था। तो अभी ये बड़े हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं इनको, तो काफ़ी इनकी ग्रोथ अच्छी है। उसके बाद ये देसी प्लांट, ये तो मेरे पास एक बड़ा प्लांट था देसी गुलाब का, तो उसी में से काट के मैंने कुछ डंडियाँ लगा दी थी जिससे कि ये अच्छे तरीके से ग्रो हो गए हैं। ये मेरे पास फ्रेंड्स ड्रम स्टिक का पौधा है जिसे कि सैजन भी कहते हैं, इस पर ड्रम स्टिक लगती हैं। और उसके बाद ये चांदनी का प्लांट है, ये छोटे पॉलीथीन बैग में है, ये मुझे मिला था 40 रुपीज़ का। और ये जो ड्रमस्टिक का प्लांट है ये मुझे मिला था 100 रुपीज़ का। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये हरसिंगार का है, सो वाइट कलर के फूल आते हैं। और इनके नीचे का जो हिस्सा रहता है, फ्लावर्स के छोटे छोटे फूल रहते हैं, वो ऑरेंज कलर का रहता है। ये मुझे 30 रुपीज़ का मिला था, छोटे से ही पॉली बैग में है, और रेट मुझे ठीक लगे इसलिए मैंने फिर ये परचेज़ कर लिया। और ये जो प्लांट है ये छुई मुई का है, और इसको ये यहाँ पर कुछ पिंक कलर के फूल भी लगे हुए हैं। अभी इसको लाए हुए मुझे 10 दिन करीब हो गए हैं। ये तो मैं जल्दी अभी बाकी सारे प्लांट्स लेकर के आया था, तो अभी तो मैं इनको रिपोर्ट नहीं करूँगा। ये वाला मेरा पहले का है, तो अभी इसको कुछ दिन और मैं रखूँगा, उसके बाद मैं इनको रिपोर्ट करूँगा। क्योंकि नर्सरी के क्लाइमेट से जब हम लेकर के आते हैं तो जो चेंजमेंट होता है उसमें प्लांट कभी कभी शॉक में भी रहते हैं, तो जब तक ये अपनी सही से ग्रोथ, वैसे फ्लावरिंग वगैरह तो इसमें हो रही है और कुछ नए पत्ते भी आ गए हैं ये, तो इसको अभी तो नहीं, कुछ एक वीक और वेट करने के बाद मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। ये मोरपंखी का प्लांट है और ये मुझे 25 रुपीज़ का मिला था, तो ये नहीं था मेरे पास में, तो मैं इसको भी परचेज़ करके लेकर के आया हूँ। और इसमें कुछ ये प्लांट्स उग रहे हैं, इनको निकाल देते हैं। और उसके बाद ये जो है ये गेंदे के, मैं कुछ पौधे लेकर के आया था, ये 7-8 पौधे हैं, तो मैंने इनको एक पॉली बैग में अभी लगा दिया है। थोड़े से जब बढ़ने लग जाएंगे फिर मैं इनको शिफ्ट करूँगा। इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इसका। ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, ये सर्दियों में फ्लावरिंग करेगा, काफ़ी छोटा सा ही था, तो मैंने अभी इसको भी पॉली बैग में ही लगाया है, अभी गमले में शिफ्ट नहीं किया है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फिर मैं इसको गमले में शिफ्ट करूँगा। इन सारे प्लांट्स को फ्रेंड्स मैंने मॉइस्ट एरिया, जहाँ पर मेरा पानी वगैरह रहता है, थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, उन सारी जगहों पर रखा हुआ है। अभी वीडियो बनाने के लिए मैंने इनको टेरेस पर मैं लेकर के आया हूँ, उसके बाद मैं इन्हें वापस वहीं रख दूंगा, और कम से कम 15 डेज़ वेट करने के बाद ही मैं इनको रिपोर्ट करूंगा। ये दो प्लांट और हैं ये बड़े बड़े, एक ये लीची का प्लांट है, एक मेरे पास पहले भी है जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और ये साइड में जो आप देख रहे हो ये जो है ये बारहमासी आम का है। तो अभी इन दोनों को जो है मैंने बैग से निकाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके रूट्स जो हैं काफ़ी बड़े हैं और ये मिट्टी में लगे हुए थे, तो अभी इनको भी मैं
ऐसी जगह रख दूंगा जहाँ पर, या किसी गमले के ऊपर या किसी ट्रे में मिट्टी डाल करके, जिससे कि इसकी रूट जो बाहर निकली हुई है वो मिट्टी में रहें। और ये क्लोथ का है तो मैंने इसलिए इसको निकाला भी नहीं कि नीचे जो जड़ें हैं वो ज़मीन पे ना लगें डायरेक्ट। अभी मैं इसको जब गमले वगैरह में रख दूंगा तब इस बैग से इसको बाहर निकाल दूंगा। और ये दोबारा खुल गए हैं इसके पत्ते। फ्रेंड्स, ये सारे जो प्लांट्स मैं लेकर के आया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और अभी जो सीज़न आ रहा है उसमें इनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। बस इनको मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, उसके बाद इनको शिफ्ट करूँगा गमले में। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ क्लाइमेट में अब थोड़ा सा चेंजमेंट आना शुरू हो गया है, जिससे कि मैंने शिफ्ट करूँ तो इनमें से कोई भी पौधा जो है वो ख़राब ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।